अभी आर्या के टाटा के शोरूम पे आया हूँ, गोल क्रॉस रोड पे, ब्रिस्टल की बैक साइड में है, मेगा मॉल के साथ में। तो आज टाटा गोल्ड यानी कि सफारी गोल्ड की डिलीवरी है, डार्क कलर में है, तो उसको हम आज रिव्यू करने की कोशिश करेंगे। ये आपके निक्सॉन खड़ी है, फ्रेंड ये जो गोल्ड है ये 7 सीटर में है, गोल्ड सफारी गोल्ड जो आई है, इसमें जो आगे की 2 सीट है वो वेंटिलेटेड सीट मिलती है। आप देखिए और पीछे की जो 3 सीट है वो वेंटिलेटेड नहीं होती इसके अंदर, क्योंकि ये 7 सीटर है। लेकिन अगर आप इसमें 6 सीटर लेते हैं तो आपको ये 2 सीटें भी वेंटिलेटेड मिल जाती हैं सफारी गोल्ड के अंदर। फीचर्स के बारे में तो आपको पता ही है, बट आज हम कवर करने आए हैं सफारी गोल्ड को। हैंडल्स गोल्ड दिए गए हैं, टाटा का लोगो मुझे लगा था ये भी होगा, लेकिन ये नॉर्मल है। अब देखते हैं बैक साइड पे क्या चेंज किया गया इसके अंदर। बैक साइड में जो देखेंगे आप, ये टाटा की जो बैजिंग दी गई है ये गोल्ड में दे रही है, और सफारी को भी टाटा की बैजिंग है। अगर मैं आपको दूर से दिखाता हूँ गाड़ी लगती कैसी है, तो इस गाड़ी की लुक ऐसी लगती है, दूर से पहचान ली जाएगी कि ये सफारी गोल्ड है। लेकिन 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 इसकी शेड चेंज होती रहती हैं, रात में अलग लगेगी, दिन में जब सुबह निकलेगी तो अलग कलर दिखेगा। पूरी टीम लगी हुई है इस गाड़ी को तैयार करने के लिए। शार्क फिन एंटीना है, देखो अब यहाँ से ब्लू लग रही है, अब तो ब्लू की शेड आ रही है। भैया एग्जिट में कलर का नाम क्या है? सफारी गोल्ड नहीं, गोल्ड तो कलर का नाम क्या है? ब्लैक गोल्ड। अच्छा वैसे ये ब्लैक तो नहीं है? हाँ ब्लैक नहीं है, ब्लैक जैसी लुक आ रही है इसमें। सफारी डार्क कलर में आ गई है, जिसको भाई ब्लैक कलर में ख़रीदनी हो वो इस कलर को लेके पूरे ब्लैक कलर के मज़े आएंगे। ये है बटन वेंटिलेटेड सीट के ऑपरेट करने के लिए। ये चेंज हुआ है इसके अंदर, ऑटोमेटिक वेरिएंट है ये, 26 लाख, 26.5 लाख की गाड़ी पड़ती है ये ऑन रोड आपको। इस पे भी काम करना चाहिए, ये जो प्लास्टिक है थोड़ी सी फाइन क्वालिटी का डाल देंगे तो ये स्टेयरिंग की जो लुक है और भी अच्छी हो जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छा फाइन क्वालिटी का इसमें मटेरियल यूज़ किया है टाटा ने। ये आर्या मोटर्स है, टाटा मोटर्स के ये गुड़गांव में काफ़ी बड़े डीलर्स हैं, आर्या मोटर्स। ये यहाँ पे गाड़ी को बंद करने का बटन दिया हुआ है, ये चारों आप शीशे को ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये ड्राइवर के लिए है, ये बड़ा
पीक अच्छा लगेगा देखने में। यहाँ पे की का लोगो भी बना दिया है, कभी ये सीट्स भी देखने में लगती वेंटिलेटेड ही हैं। सिक्स सीटर के अंदर वेंटिलेटेड सीट्स है दोनों, लेकिन सेवन सीटर के अंदर ये ऑप्शन नहीं है। आगे की दो सीट वेंटिलेटेड है, तो जिस भाई को चारों सीट चाहिए तो वो सिक्स सीटर ले सकता है, नहीं तो सेवन सीटर ही लेनी चाहिए। पीछे की दो सीट ना भी चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती वेंटिलेटेड सीट। ये सफारी थोड़ा डार्क में हो जाता तो बेटर लुक हो जाती, पर ठीक है, टाटा ने कुछ सोच समझ के किया होगा। अगर ये इसी कलर में होता डार्क में तो ये गाड़ी दूर से आपको दिख जाती कि हाँ भी सफारी की बैचिंग। ये इसमें प्लास्टिक का पार्ट होता है, बाकी सारा ये लोहा है, ये प्लास्टिक का पार्ट है, फाइबर होता है। डिज़ाइन बनाने के लिए इसका यूज़ करते हैं, काफ़ी कंपनियाँ कर रही हैं। ये टेल लाइट्स, टेल गेट पे जो लाइट्स हैं ये देखिए आप, काफ़ी यूनिक सा लगता है। ये इस टेल गेट पर ही है, यानी कि डिक्की के गेट को हम टेल गेट कहते हैं। और ये यहाँ पे इसके साथ जो लाइट जलती है, ये पूरी लाइट जलती है फ्रेंड, तो देखने में बहुत ही सुंदर लगती है आपको। ये कैमरा है, कैमरे की क्वालिटी पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। वेंटिलेटेड सीट भी है इसमें, वायरलेस चार्जर भी है, वायरलेस कनेक्टिविटी भी है एंड्रॉयड ऑटो से इसके साथ। ऑटोमेटिक सफारी चलाने का मज़ा ही कुछ और है, बहुत ईजी है। वेंटिलेटेड सीट, इसमें से हवा आती है ठंडी ठंडी हवा, तो पसीने नहीं आते ड्राइवर को। यहाँ पे गोल्ड की बैचिंग भी है, वायरलेस चार्जर, डिलीवरी से पहले डीजल डाल रहे हैं ताकि क्लाइंट पेट्रोल पंप तक तो इस गाड़ी को ले जाए। डीजल सस्ता हो गया भाई, 87 रुपीज़ पे आ गया है, 99 रुपीज़ था। सफारी की फ्रंट है, ये हैरियर, हैरियर में ऐसा लुक आता है। आपको कभी सफारी हैरियर से फ्रंट पे पहचानना हो तो आपने सिर्फ ये इसकी जो फ्रंट ग्रिल्स हैं इससे आप इसको पहचान सकते हो। फ्रेंड ये मेरा आज एक छोटा सा ब्लॉग था, सफारी गोल्ड जो आई है मार्केट में, डार्क कलर लोग मांगते, डार्क कलर भी आ गया है, और डार्क कलर के ऊपर आप देखिए सफारी गोल्ड मार्केट में क्या धूम मचाती है। काफ़ी कमियां थी टाटा सफारी में, जैसे कि वेंटिलेट सीट वो भी इसमें आ गई है, जैसे कि लोग कहते थे यार जो मुझे भी दिक्कत होती जो एंड्रॉयड ऑटो और कैपल एप्पल कारप्ले है वो वायर लगानी पड़ती थी, इसमें वो वायरलेस कनेक्टेड है, कनेक्टिविटी है, चार्जिंग भी वायरलेस है इसके अंदर, वेंटिलेट सीट भी आ गई हैं, और 360 डिग्री कैमरा इसमें नहीं दिया है अभी, लेकिन यह है कि टाटा ने काफ़ी लोगों के फीडबैक लिया है और उसके बाद सफारी को यहाँ पे मार्केट में इन्होंने लॉन्च कर दिया है। ये फुल्ली टॉप एंड मॉडल है, 26 लाख, 26.5 लाख की कॉस्ट पड़ती है इसकी,
ये गाड़ी टॉप एंड मॉडल है, इसमें सारे फीचर्स अवेलेबल हैं, लेकिन सेवन सीटर है ये। सिक्स सीटर का ऑप्शन भी इसके अंदर अवेलेबल है। ये आर्या मोटर्स है, मेगा मॉल, डीएलएफ फेस वन। ये गाड़ी भी तैयार कर दी भाई ने। तो फ्रेंड आप ज़रूर बताना कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा। ये थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग कौशिक ब्लॉग।